फाइनली आज मैं जा रही हूँ ससुराल। आप लोग मेरे सारे व्लॉग देख रहे हैं, कुछ दिनों से मैं मम्मी के घर से ही दे रही हूँ और आप लोगों के शायद मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मम्मी के घर से क्यों दे रही है व्लॉग, अपने ससुराल कब जाएगी। तो फाइनली मैं जा रही हूँ आज। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम शिल्पा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो सुबह सुबह उठ के बात करने में एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ कैमरा ऑन करके आप लोगों की तरफ देख रही थी। और सुबह के 7 बजे मैं उठी थी, 8 बजे तक मैं तैयार हो गई हूँ। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ना तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ डॉक्टर के पास। तो आप लोग अभी सोचेंगे कि मुझे क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मम्मी का चेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ। मम्मी का यूट्रियस का ऑपरेशन हुआ था, तो उसी का चेकअप करवाने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और सामने ही है दुर्गा पूजा, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पे पैंडल होना स्टार्ट हो गया है। और हम लोगों के यहाँ पर रामेश्वरम का सोमनाथ मंदिर हो रहा है अभी, तो तोड़ जोर से यहाँ पर तैयारी हो रहा है। हम लोगों के यहाँ पे 3 सालों से बड़ा बड़ा पंडाल हो रहा है। तो पहले साल हुआ था केदारनाथ किया था और अगले साल किया था यहाँ पे वृंदावन। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, लाइन भी बहुत ज़्यादा हुआ था और मैंने भी लाइन देख के ही देखा था। हम लोगों के घर के इतने बगल में है, लेकिन फिर भी मैंने लाइन दिया था। तो चलो डॉक्टर के पास पहुँच के फिर आप लोगों के साथ बात करूँगी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं चेम्बर पे और हमारा डॉक्टर का नाम है कमाल हसन, डॉक्टर कमाल हसन। तो वहाँ पे हम लोग आ तो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अभी आएंगे 11 बजे, तो इसीलिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का नाम 6 नंबर पे है, तो यही गुड न्यूज़ है कि ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, आधे घंटे के अंदर ही हम लोगों को दिखाना भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ खाली है, मैं और मम्मी ही बैठी हुई और जो कंपाउंडर है वो अंदर बैठे हुए हैं। तो अब वेट तो करना पड़ेगा, तब तक शायद भीड़ भी हो जाए यहाँ पे। तो बैठ के वेट करते हैं, डॉक्टर आ जाने के बाद चेकअप करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहना और साथ में रहना। यहाँ पे खुद बीमार है और यहाँ पे नानी को फ़ोन करके पूछ रही है कि उनका तबीयत कैसा है। और ये देखो यहाँ का चैम्बर, तो यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ हो रहा है और सारे पेशेंट आ रहा है। मैंने कहा आप लोगों को कि 6 नंबर पे नाम है। एक बात बता दूँ, इस डॉक्टर के पास 1 और 2 नंबर पूरा एकदम खाली रहता है। इमरजेंसी पेशेंट अगर कोई हो तो 1-2 नंबर पे उन लोगों को देखते हैं यहाँ पे, और फिर बाकी सारे पेशेंट को देखते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों का नाम 4 नंबर पे है। तो हम लोगों को कहा गया था कि 11 बजे डॉक्टर आएंगे, फिर कहा गया है अभी 12 बजे आएंगे। तो आप लोगों को पता ही है हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे 8:45 बजे और अभी इतना टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो 11 तो बज गया है, इसीलिए मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गया है। मैंने सोचा था आ जाएंगे डॉक्टर, लेकिन नहीं आए हैं, इसीलिए मैं बाहर निकल के अभी जा रही हूँ कुछ ख़रीदने के लिए। और इस डॉक्टर का चेम्बर है बर्धमान के नवाभाट, है ना, नवाभाट से थोड़ा सा पहले ही, मतलब रॉयल इनफील्ड और जाभा का जो शोरूम है वो सब कुछ क्रॉस करके फिर बाएं तरफ आप लोग देखना डॉक्टर के चेम्बर है। सो यहाँ पर मैं केक ख़रीद रही हूँ, केक खाने से ही पेट भरा हुआ रहेगा यही मैंने सोचा। तो मैंने यहाँ पे विंकीज़ का चॉकलेट फ्लेवर का केक ख़रीदा है। पहले मैं ना बिटनिया का केक खाती थी, लेकिन अभी वो कैसा एकदम चिप्सा जिसे कहते हैं ना, कोई टेस्ट ऐसा बेकार लगता है मुझे खाने में और अच्छा नहीं लगता है। विंकीज़ का जो केक है अभी वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और मम्मी चॉकलेट फ्लेवर छोड़ के कोई और फ्लेवर खाना नहीं चाहती है, इसीलिए मैंने चॉकलेट फ्लेवर का ही केक ख़रीदा और वही हम दोनों ने खाया। सो फाइनली 3.5 घंटे के बाद हम लोगों का डॉक्टर दिखाना हो गया है और हम लोगों ने टोटो भी पकड़ लिया है। टोटो करके हम लोग अभी घर जाएंगे। तो हम लोगों का डॉक्टर दिखाना हो गया है, मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा लेट कर रहे थे डॉक्टर इसीलिए, लेकिन फाइनली दिखाना हो गया है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो आप लोग रहो इस वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ना डॉक्टर ने मम्मी को क्या कहा, तो डॉक्टर ने सिर्फ मम्मी को कहा सब कुछ ठीक ही है, सिलाई भी अच्छा है, लेकिन मम्मी कभी भी कोई भारी काम नहीं कर सकेगी और जल्दी जल्दी कोई काम नहीं करेगी, धीरे धीरे सारा काम करेगी और वेटी काम, कोई भारी चीज़ कभी भी नहीं उठा सकेंगी, और थोड़ा सा सेफ रहने के लिए कहा है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट घर जाएंगे सोचे थे, लेकिन फिर मम्मी को याद आया मम्मी को बाल्टी खरीदना है स्टील का, तो इसीलिए हम लोग स्टील के दुकान पे आए थे यहाँ पे एक बड़ा सा बाल्टी खरीदने के लिए। हम लोगों के घर में प्लास्टिक का बाल्टी है और उसे हम लोग चेंज करके स्टील का बाल्टी लेने वाले थे, लेकिन हम लोग जो साइज़ में ढूंढ रहे थे वो साइज़ नहीं मिला, और इसी कारण हम लोगों ने उस दिन मटका भी खरीदा था।
सो फ्रेंड्स, हम लोग तो वहाँ से आ गए हैं, आप लोगों को दिखाया कितना टाइम लग गया था वहाँ पे। तो वहाँ से आके मैंने नहा लिया है, मतलब फ्रेश हो गई और खाना भी खा लिया है और अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और हाँ, आज मैं घर वापस जाने वाली हूँ, घर यानी ससुराल वापस जाने वाली हूँ। अरिजीत मुझे लेने आने वाला है तो इसलिए मुझे तो रेडी होना पड़ेगा। अभी नहीं जाएंगे, रात को जाएंगे डिनर करके यहाँ पे, फिर जाएंगे। और अभी मैं पापा ने लाया है गुआवा यानी प्यारा लाया है, तो वही प्यारा मैं अभी खाऊंगी। मेरा फेवरेट है फ्रूट्स, मुझे अच्छा लगता है खाने में। और अरिजीत जो है उसे उतना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापा ने प्यारा लाया है इसीलिए मैंने कटिंग कर लिया है प्यारा। अभी उस घर में जाके मैं खाऊंगी, तो चलो मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बाद में बात करूंगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने प्यारा रेडी कर लिया है, यही मैं खाने वाली हूँ। तो खा के फिर आप लोगों के साथ बाद में बात करती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना नेल पेंट लगाया जाए, तो इसीलिए नेल पेंट निकाला है और मैंने एक उंगली में ही लगाया था। फिर मैंने सोचा बाद में ब्लू कलर लगाऊंगी। ब्लू कलर जिस दिन ख़रीदा था मैंने तो दिखाया था आप लोगों को। और पैर में मैंने लगा लिया है रेड कलर का नेल पेंट, मुझे ना पैर में हमेशा रेड कलर लगाना ही अच्छा लगता है। और फिर मैं सोच रही थी, अभी टाइम हो रहा है, मतलब जितना रात हो रहा है मुझे याद आ रहा है कि मुझे वहाँ पर जाना है, ससुराल वापस जाना है, तो मैं उतना ज़्यादा ही सैड हो रही थी इसीलिए मुझे बात करने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं अभी इसलिए ऊपर साउंड दे दी हूँ। मैंने यहाँ पे अपना लगेज भी पैक कर लिया है, ये देखिए इस बैग पे भी मेरा किताब है रखा हुआ जो मैं अभी लेके नहीं जाऊंगी। इसमें तो मेरा सारा कॉस्मेटिक्स के सामान है, इस और इस दोनों में ही मेरा सामान है। ये रहा मेरा बैग पैक, मतलब मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और अभी मैं थोड़ा सा सैड सैड फील कर रही हूँ। मैं चली जाऊँगी इसलिए भाई ने लाया था अरुण आइसक्रीम। अरुण का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तो अभी फील कर रही हूँ। अमूल भी अच्छा है लेकिन अरुण भी अच्छा है। और ये है चॉकोबार, इसमें सिर्फ डंडी नहीं है लेकिन बाकी सब सेम है। और इसका प्राइस था 10 रुपीज़। फिर 7:30 बजे अरिजीत आया था, उसे सबसे पहले मिठाई दिया गया था। फिर रात के डिनर पे मम्मी ने लाया था बिरयानी, बाहर से ही खरीद के लाए थे, सबके लिए ही लाया था क्योंकि अरिजीत को यही पसंद है, इसीलिए मम्मी ने बिरयानी लाया था। तो हम लोगों भी अभी खा रहे हैं। अरिजीत का प्लेट दूसरा था जिसका वीडियो मैं करना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी अपना वीडियो, मतलब अपनी थाली का वीडियो कर रही हूँ। और मुझे बिरयानी में सिर्फ चावल खाना ही अच्छा लगता है, उसका जो आलू होता है और चिकन होता है वो दोनों ही खाने में मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ राइस ही खाती हूँ बिरयानी का। खाना खाने के बाद और भी टाइम नज़दीक आ गया था और मेरा फेस देख के आप लोगों को पता चल ही जाए, मतलब पता चल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा सैड हूँ। मैं चुप हूँ ये देख के आप लोग मत समझना, मैं गूंगी हो चुकी हूँ। तो मैं घर आ चुकी हूँ रेडी होके और मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दिनों बाद आई हूँ, सब कुछ नया नया लग रहा था, मतलब कैसा एकदम फील हो रहा था, नए नबीली दुल्हन जैसा। तो मैं एकदम चुप थी और चुप होके मैं पहले आके ना बेड पे ही बैठती हूँ जब मम्मी के घर से आती हूँ, एकदम किसी से बात नहीं करती हूँ, उतना सिर्फ चुप रहती हूँ। और ये रहा मेरा घर जो आप लोगों ने बहुत दिनों तक नहीं देखा है। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। टाटा।